हरि हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। किनको स्वरूप जाने रावे ते वही जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचाई। धन्य धन्य तिन हिते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ के द्वितीय लंब को आधार बनाकर 44वें श्लोक तक की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं। और यह जीवन संयम के लिए मिला है ना। जैन संस्कृति भोग की नहीं त्याग की संस्कृति। तो आलू प्याज छोड़ना चाहिए कि नहीं? उसकी राग हटाना चाहिए। छोड़ने योग्य नहीं है। राग छोड़ने योग्य है। देखो कल हमने चर्चा यहाँ की है सात तत्वों में हे गे और उपादेय की। सात तत्वों में हे क्या है, गेय क्या है और उपादेय क्या है। इस जगत को हम सात रूपों में देख सकते हैं। मैंने सारे जगत की परिस्थितियों को, घटनाओं को, होने वाली पर्यायों को हम सात रूपों में देख सकते हैं। या तो वो जीव होगा या अजीव होगा। और जीव यदि है तो उसकी या तो विकारी पर्याय होगी या निर्मल पर्याय होगी। निर्मल पर्याय होगी तो या तो पूर्ण निर्मल होगी या आंशिक निर्मल होगी। मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए प्रयोजन भूत सात तत्व कहे हैं। प्रयोजन भूत ये सात तत्व हैं। इनमें से जब भी किसी बात को देखा जाता है तो सबसे पहले तो ये नक्की करें कि वो आखिर इन सात में से कहाँ आएगा। किसी भी चीज के बारे में हमारे समझ लीजिए, हमने बात की लड्डू, तो वो जो लड्डू है वो जीव तत्व है, आश्रव तत्व है, मोक्ष तत्व है, संवर निर्जरा तत्व है, बंद तत्व है, अजीव तत्व है, क्या है आखिर लड्डू? कौन से तत्व में शामिल करेंगे उसको? अजीव तत्व में शामिल करना चाहिए ना उसे। शरीर है तो शरीर को कौन से तत्व में शामिल करें? अजीव तत्व में शामिल करें। और पर के प्रति जो अपनापन है ये कौन सा तत्व में शामिल करें? आश्रव तत्व में है? और पर के प्रति अपनेपन को तोड़कर अपने में अपनापन, संवर निर्जरा तत्व, और अपने में ही समा जाए अनंत काल के लिए वो मोक्ष तत्व। माने सातों तत्वों में हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि किस, कौन सी बात कौन से तत्व में लागू हो रही है। हमने सात अकाउंट खोल दिए भैया, अब जो भी एंट्री आएगी उन सात अकाउंट में से कहीं ना कहीं पोस्टिंग करनी पड़ेगी। क्या पोस्टिंग गलत हो गई तो खाते गड़बड़ा जाएंगे, और खातों में गड़बड़ हो गई तो जेल होगी। बोलो, जिसको लेना था मैंने जिस जो डेटर्स थे उनको क्रेडिटर्स में डाल दिया, लेनदार में डाल दिया, जो लेनदार थे उनको देनदार में डाल दिया, जिनका सारा खाता क्लियर हो गया था है उनकी जबरदस्ती देनदारी लेनदारी निकाल दी। इधर के उधर यदि खातों में गड़बड़ी कर दी अकाउंट्स में तो फिर क्या होगा बताओ? मुकदमा दर्ज होगा भाई साहब, जेल हो जाएगी, अपराधी सिद्ध हो जाओगे आप। और सुनो, यदि वो गड़बड़ी
किसी बड़े लेवल पर हुई तो फिर कितनी बड़ी सजा मिल सकती है हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, तो ये अनादि काल से आज तक ये सब गड़बड़ी चल रही है, इसलिए किसी भी बात की उसको देखकर, जैसे जीव तत्व की बात करें तो बताओ जीव तत्व किसे कहें कि साहब ये जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वाला दिखता है यही तो जीव है, कि भाई साहब गलत फहमी में मत रहना, कि साहब ये केवल ज्ञान है ये जीव में ही तो है, कि गलत फहमी में मत रहना, मोक्ष तत्व के खाते में डाला जाएगा। जीव तत्व के साहब ये जो राग द्वेष करता हुआ जो दिख रहा है ये जीव ही तो है, कि सुनो ये राग द्वेष जो है तो आश्रम के खाते में जाएंगे। जीव तत्व तो वो है जो आश्रव तत्व नहीं हो, जीव तत्व तो वो है जो बंद तत्व नहीं हो, अलग है ना। जीव तत्व तो वो है जो संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व भी नहीं हो। देखो आप, माने या तो विकारी पर्याय या निर्मल पर्याय, ये दोनों ही प्रकार की पर्यायों से रहित जो तत्व है वो जीव तत्व है, ज्ञान स्वभावी आत्मा वो जीव तत्व है। और जिसमें जीवत्व पना नहीं है, जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि नहीं है, ऐसे अचेतन वो सब क्या है, अजीव तत्व हैं। तो दुनिया में जितने भी पदार्थ आपको अभक्ष्य होने के कारण छोड़ने योग्य दिखते हैं, हमारा ये प्रश्न है कि क्या वास्तव में वो छोड़ने योग्य हैं, इसका निर्णय करने के पहले उन्हें इसमें बांटो कि वो कौन से तत्व में आएंगे। बोलो, जमीकंद कौन से तत्व में जाएगा? अजीव तत्व में, अजीव तत्व में जाएगा जमीकंद। तो अजीव तत्व कल हमने पढ़ा था हे है, गेय है या उपादेय है? गेय है, पक्का पक्का गेय है, हे तो नहीं है। तो इसका मतलब जमीकंद आदि जितने पदार्थ हैं ये सारे पदार्थ अजीव तत्व में शामिल होने के कारण गेय मात्र हैं, हे ये नहीं है। हम ये समझ रहे हैं। अच्छा, भगवान की ये जो पूजन कर रहे हैं ये पूजन करना हे ये है, गेय है या उपादेय है? उपादेय है भगवान की पूजन करना। अच्छा लगाओ, नहीं नहीं सुनो तो सही, अभी आपने उपादेय कहा है, हम ये पूछ रहे हैं कि ये सात में से कौन से तत्व में शामिल हुआ, फिर है ये उपादेय लगाएंगे। आश्रम में पक्का? सुनो, अभी दो चीजें हैं उसमें, पूजन करने की क्रिया, पूजन पढ़ना और पूजन की सामग्री लगाना, सामग्री चढ़ाना, किताब लेकर के जो पूजन करी, ये सब तो है जड़, जड़ का काम है। तो ये जड़ का काम होने से ये कहाँ जाएगा? अजीव तत्व में। इसका मतलब ये सब तो गेय मात्र हैं, जानने योग्य मात्र हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए कि जितने जगत के पदार्थ गेय मात्र थे उनमें हमने हेय और उपादेय का बंटवारा कर दिया। क्या थे तो गेय, कुछ नहीं करना है तुम्हारे को उसमें, पर में कुछ नहीं करना है। अब जो मात्र ज्ञान का विषय बनने चाहिए थे क्या, उनको आपने क्या किया, ये तो हटाओ और ये ग्रहण करो, ये छोड़ो और ये अपनाओ। अब ये सारा झमेला यहां हो रहा है कि हमने जगत के पदार्थों में हे उपादेय बांट रखा है, जबकि आचार्य देव ये कह रहे हैं हे है तेरे आश्रव और बंध तत्व, वो हे है, और उपादेय है संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व। आश्रव बंध तत्व हे है, इसका मतलब परद्रव्य हे ये नहीं है, पर के प्रति होने वाला जो राग भाव है, वस्तुओं के प्रति होने वाला जो हमारा अपनापन है, उनमें जो अच्छे बुरेपन की कल्पना है, ये आश्रम है, ये बंद है, ये छोड़ने योग्य है। समझ में आ रही है? और पर के प्रति अपनेपन की मान्यता को तोड़ने पर
जो अंदर में निर्विकारी परिणति प्रकट हुई, वितरागी परिणाम प्रकट हुआ, जो शुद्धता प्रकट हुई, वो शुद्धता संवर निर्जरा रूप होने से उपादेय है। क्या समझ में आ रही है बात? तो जो उपादेय था उसे नहीं पहचाना, जो हेय था उसे नहीं पहचाना। हेय और उपादेय दोनों को पहचाना नहीं, लेकिन हेय उपादेय तो करना है ना। तो जो गेय दिखता था उसमें हेय उपादेय का बंटवारा कर दिया। क्या बड़ी भूल है, कहां गड़बड़ हो रही है? अब पूरा प्रवचन है मेरा इसके ऊपर, तलाशना पड़ेगा कहीं घाट के ऊपर में किया हुआ इस विषय के ऊपर। मैंने इसलिए कल आपसे कहा था कि ये एक दो मिनट की चर्चा नहीं है, वो गहराई से समझने योग्य बात है। एक बार हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, बोलो। तो फिर साहब सप्त व्यसन छोड़ने लायक नहीं है क्या? मध्य मांस मधु छोड़ने लायक नहीं है क्या? ये तू क्या छोड़ेगा ये बता। अच्छा हम ये कह रहे हैं तुमने आलू छोड़े, तो आलू छोड़ने में क्या छोड़ा ये बताओ। क्या था छोड़ने लायक? राग छोड़ने लायक था। अब तुम राग तो नहीं छोड़ो और वस्तु को छोड़ो, तो कहा तुमने छोड़ा क्या? फिर कुछ छूटा ही नहीं। आश्रम छोड़ा नहीं और अजीव को छोड़ आश्रम छोड़ा नहीं और अजीव में छोड़ने लायक है नहीं कुछ। अजीव तो परद्रव्य है भाई, परद्रव्य में ग्रहण भी नहीं होता, परद्रव्य का त्याग भी नहीं होता। परद्रव्य के ग्रहण त्याग की बुद्धि खोटी बुद्धि है। ये जीव अज्ञानी जीव पर पदार्थों में ही ग्रहण त्याग की बुद्धि किए बैठा है। दिन रात घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो, हैं इन संयोगों को छोड़ दो, इस परिग्रह को छोड़ दो। हमें पहले ये बतलाओ कि जिस परिग्रह को तुम छोड़ने की बात करते हो, ये परिग्रह कौन से तत्व में है? या जीव तत्व में है? यदि ये भाई ये परिग्रह अजीव तत्व में है तो फिर गेय मात्र है, ज्ञान का गेय मात्र है। तेरे छोड़ने से छूटते नहीं, तेरे ग्रहण करने से ग्रहण होते नहीं। तो छोड़ने योग्य क्या है कि इस परिग्रह के प्रति राग छोड़ने योग्य है, वो है आश्रव होने से। तो फिर साहब इसको नहीं छोड़े कि सुन, जब आश्रव तत्व को हेय जानकर उसके प्रति अपनेपन को तोड़ेगा तो ये परिग्रह तेरे साथ में रह नहीं सकता, ये परिग्रह छूटे बिना नहीं रहेगा। कि साहब आलू के प्रति राग है ना असली छोड़ने लायक, तो कि हाँ जमीकंद के प्रति उठने वाला जो राग है वो आश्रव तत्व है, जमीकंद है वो अजीव तत्व है। जमीकंद अजीव तत्व, उसके प्रति होने वाला राग आश्रवबंद तत्व। आश्रवबंद हेय है, इसका मतलब उसके प्रति रागादिक का परिणाम वो हेय है, और रागादि परिणाम हेय जानकर उसे छोड़ा, इसका मतलब जमीकंद खाने का भाव नहीं आ सकता। भाव ही नहीं आया तो खाने की प्रवृत्ति कैसे होगी? परद्रव्य में चलती नहीं है, जबरन पर में छेड़छाड़ कर रहा है, जबरन इधर उधर करने का प्रयास कर रहा है। सारा का सारा झगड़ा अनादि काल से आज तक यही हो रहा है। इसको ग्रहण कर दो, इसको छोड़ दो, इसको अपना दो, इसका त्याग कर दो। मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये ग्रहण कर लिया, इसने ये छोड़ दिए। अरे क्या छोड़ दिए और क्या छोड़ने लायक क्या है? जब तक ये नहीं समझेगा तब तक तेरे छोड़ने से कुछ नहीं होगा, और तू छोड़ ही नहीं सकता, छूटा ही नहीं है वो। पहला निर्णय ये करना है हमारे को, क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है। अरे जो तेरा है नहीं तो उसे कहे मैंने छोड़ दिया। अभी मैं ये कहूँ कि यहाँ ये जो मोबाइल रखे हैं ये इसको मैं कहूँ मैंने छोड़ दिया इसको, क्या फिर तुम्हारा है क्या? पहले ये बतलाओ, उनके मोबाइल को उठा करके तुम ये कह रहे हो कि मैंने छोड़ दिया, पागल बना रहे हो? जो तुम्हारा है ही नहीं तुम उसे छोड़ करके घमंड कर रहे हो कि मैंने छोड़ दिया? जो तुम्हारा है उसमें छोड़ने की बात करो कि साहब फिर मेरा क्या है कि शरीर भी मेरा नहीं है? कि सुनो हाँ नहीं है तो शरीर छोड़ने से नहीं छूटेगा, शरीर के प्रति राग जो बना हुआ है वो छोड़ने योग्य। बहुत सुंदर परिभाषाएं यहाँ हेय उपादेय कहकर के व्यक्त की गई थी कि परद्रव्य का ग्रहण त्याग नहीं होता, परद्रव्य होने से वो अजीव तत्व है, और अजीव तत्व होने से गेय मात्र है, ज्ञान का विषय मात्र बनाओ, नाक मुंह मत सिखोड़ो पर वस्तुओं को देख करके,
घृणा मत करो पर वस्तुओं को देख करके, अरे ज्ञान के विषय मात्र हैं। मुझे बतलाओ ये जगत के सारे पदार्थ सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान का विषय बनते हैं तो क्या क्या नहीं झलकता उनके ज्ञान में, और कितने दुखी होते होंगे बताओ। विषय मात्र है, कुछ नहीं है, झलक रहा है ज्ञान में। अवधि ज्ञानियों के ज्ञान में यदि पर पदार्थ झलक जावे क्या फर्क पड़ता है। केवल ज्ञानियों के ज्ञान में यदि त्रियंच गति के जीव, मनुष्य गति के जीव लड़ते मरते कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, आतंक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, गांव के गांव जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अनादि अनंत इतिहास में क्या क्या नहीं होगा जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में नहीं झलकेगा। गांव के गांव तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ऐसी महामारी फैल रही है, नरक में जीव शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है और ऐसी त्राही त्राही मचा रखी है, सब कुछ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। बोलो तमिलनाडु के अंदर क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, और भुज में कौन से भूकंप आए, और जो कौन सा युद्ध हुआ, विश्व युद्ध पहला और दूसरा और तीसरा होने वाला है जो, और सब सब कुछ झलकता है उनके ज्ञान में। सुनामी की लहरें भी झलक रही है ना, फिर क्या कर रहे हैं वो जानने के बाद। ज्ञान का ये है न उससे राग, न उससे द्वेष, न तड़पते मरते हुए जीवों के प्रति करुणा का परिणाम, उनके प्रति करुणा नहीं है। और जो वो लोग हैं करने वाले, ऐसे किसी व्यक्ति ने समझ लो आग लगा दी सब तरफ, उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं है। जो जल रहे हैं उनके प्रति करुणा का भाव नहीं है। ये क्या कर रहे हो भगवान आप बैठे बैठे, ज्ञान के गेय मात्र हैं। पर द्रव्य में कुछ नहीं चलेगी, पर द्रव्य में कुछ करना नहीं है भाई। क्या जहां कुछ नहीं करना है वहां कुछ मत करने का प्रयास करो। और सुनो करना तो कुछ नहीं है, क्या हो रहा है, जहां ग्रहण भी नहीं करना था, जहां त्याग भी नहीं करना था, वहां इसने ग्रहण त्याग का प्रयास किया तो जबरन आश्रय बंद खड़े हो गए। ऐसा करने के प्रयासों से अनंत संसार खड़ा हो गया, रुल रहा है संसार में। क्या कहें, थोड़ा कहा है, बहुत समझना। जैसे सात तत्व की पोस्टिंग बताई आपने, हाँ, ऐसे छह द्रव्यों में भी पोस्टिंग लगती है क्या? छह द्रव्यों के अंदर पोस्टिंग लग जाएगी ना, क्या दिक्कत है। छह द्रव्यों में से एक तो जीव तत्वों में शामिल हो जाएगा और पांच अजीव तत्वों में शामिल हो जाएंगे, क्या इसमें क्या फर्क पड़ गया? प्रतिक्षण जो विचार दिमाग में आते हैं, जो विचार दिमाग में आ रहे हैं, वे विचार यदि विकल्पात्मक हैं तो आश्रय बंध के खाते में चले गए, और वर्तमान परिणमन यदि निर्विकल्प शुद्ध रूप है तो संवर निर्जरा के खाते में चले गया, मोक्ष के खाते में रखने लायक तो अभी अपने पास में कुछ है नहीं। अकाउंट तो खोल रखा है लेकिन मोक्ष के खाते में रखें क्या? न केवल ज्ञान है, न पूर्ण वितरागता है, न सर्वज्ञता है, न अनंत सुख है, न अनंत ज्ञान दर्शन आदि है, अनंत चतुष्टय नहीं, हम रखें क्या उस मोक्ष के खाते में? अभी कुछ नहीं है हमारे पास में, तो इसलिए बाकी के खाते में चला जाएगा। निर्विकारी शुद्ध दशा हो तो संवर्ध जरा के खाते में रख देना, विकल्पात्मक परिणाम राग द्वेष जन्य उत्पन्न हो रहे हों तो उन्हें आश्रय बंद के खाते में रख देना, और अपने से भिन्न यदि पर पदार्थ दिखाई दे रहा हो तो उसे आप अजीव तत्व के खाते में रख देना, और इन सब के अलावा जो बच गया है खालिस शुद्ध तत्व पर्याय मात्र से पार, पर और पर्यायों से भिन्न, पर में अजीव, सुनना, पर में अजीव और पर्यायों में आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, विकारी और निर्विकारी दो तरह की पर्याय हैं, तो पर और पर्यायों से जो पार है वो जीव तत्व है। पर और पर्याय दो शब्द ध्यान रखना, पर और पर्यायों से पार, पता है कौन से नए का विषय है? परम शुद्ध निश्चय नए का विषय। पर और पर्यायों से पार देखता है वो, समय सार की छठी गाथा, ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है। क्या बात कर रहे हो आप, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है महाराज, क्या कह रहे हो आप, समझ में नहीं आ रही हमारे को, ये कैसी बात कह रहे हो, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है कि? हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रमत्तपना और अप्रमत्तपना ये दोनों पर्याय हैं, छठा सातवां गुणस्थान है या गुणस्थान रूप अवस्थाएं, पहले से छठा और सातवें से चौदहवां, ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, ये पर्याय मात्र से पार बतलाने के लिए वहां कह दिया। एक ज्ञायक भाव है वो शुद्ध आत्म तत्व
पर्याय मात्र से पार देखो। शुद्धता भी नहीं, अशुद्धता भी नहीं, विकार भी नहीं, निर्विकार भी नहीं, ऐसा जो एक जीव तत्व होगा वो जीव तत्व जीव के खाते में, फर्स्ट नंबर वाला जो अकाउंट हमने खोला था उसके खाते में आएगा। अब इन सातों में नक्की करो मैं कौन हूं। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति में, वो सम्यक ज्ञान वहां क्या लिखते हैं वे, मैं हूं जीव तत्व नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगे हैं अनादिते कलंक कर्म मल को, वो लगा होगा कलंक कर्म मल का, लेकिन मैं हूं कौन उसमें से, मैं टोडरमल नाई, क्या लिख रहे हैं, मैं टोडरमल नाई, टोडरमल कहे सब लोए, सारा जगत मुझे टोडरमल के नाम से जानता है लेकिन मैं टोडरमल नहीं। क्या आपका नाम क्या है, आत्मा है? मैं पूछूं तो आत्मा, और कोई दूसरा पूछे तो आ जाए है? बोलो पूछने वाला कौन है, बिजनेसमैन है साहब, ग्राहक के हिसाब से रेट लगती है क्या? कौन पूछने वाला है, कौन हूं मैं, तो नाम नहीं बताओगे आप, अपना नाम नहीं बताओगे तो फिर क्या करोगे। सुनो ज्ञानी और समझदार लोगों के वचन, वेद विज्ञानी लोगों के वचन कुछ इस प्रकार के होते हैं, आपका नाम क्या है, कि लोग मुझे संजीव गोधा के नाम से पुकारते हैं, हूं तो मैं जीव तत्व, हूं तो मैं शुद्धात्मा, लेकिन इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को लोग इस नाम से पुकारते हैं, इस नाम से परिचय कराया जाता है जगत में, ये जगत की चाल है, ये लोक व्यवहार है, ये व्यवहार में इस तरह के वचन कहे जाते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि मैं इस नाम और नाम वाला इन दोनों से भिन्न एक जीव तत्व हूं। नाम भी भिन्न है और नाम वाली जो देह है वो देह भी मुझसे भिन्न है। देखो नाम और नाम वाला ये दोनों अजीव तत्व हैं और मैं जीव तत्व हूं क्या? और इन दोनों तत्वों में जब तक भेद नहीं जानोगे तब तक ये संसार खड़ा रहेगा। मिटाना है कि नहीं संसार, भेद विज्ञान तह सिद्धा, अमर चंद्राचार्य कह रहे हैं भेद विज्ञान से सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा एक केचन है, तस्य अभाव तो बद्धा, इसके अभाव से ही बंध है, बद्धा एक केचन, इसके अलावा दूसरा कोई बंधन नहीं है भाई। ये जीव बंधा किससे है, भेद विज्ञान के अभाव से बंधा है, और भेद विज्ञान से ही सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, एकमात्र कारण है। तो फिर क्या करें प्रभु, ये बता दो आप, तो छोड़ दें घर गृहस्थी, फिर चक्कर आ गया, अजीव तत्व है हम ये कह रहे हैं, तू कर भेद विज्ञान और तू छोड़ दे में लगा सबकी भूले भैया सबकी क्या, अपने अपनी तरफ देखना है, किसी और की तरफ नहीं देखना है। अनादि हम संसार में यहां बैठे हैं ये इसका मतलब ये भूल करके बैठे हैं, यदि ये भूल नहीं हुई होती तो संसार खड़ा नहीं होता। तो करें क्या ये बतलाओ, तो अमरचंद्र स्वामी 130 कलश में कहते हैं, नहीं वो क्या कहते हैं वहां, भावयेद वेद विज्ञानम इदम अचिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। क्या इस भेद विज्ञान की भावना को तब तक भाव, कौन से भेद विज्ञान की भावना, निज कौन है और पर कौन है, आपा और पर, इस भेद विज्ञान की भावना को तब तक भाव जब ज्ञान पर से छूटकर, जब पर को पर जान लिया ना, पर से छूटकर अपना ज्ञान अपने ज्ञायक स्वभाव में ही स्थिर ना हो जाए तब तक इस भेद विज्ञान की भावना को निरंतर भाव। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, इसी भेद विज्ञान के बल पर हुए हैं। और बोलो ये हमारे दिगंबर संत, ये आचार्य, ये क्या बातें कहते हैं और हम कहां अटके हैं बतलाओ। ये जो बातें कही गई है इन बातों को पढ़ने वाले नहीं है कोई, इन बातों को सुनने सुनाने वाले, समझने वाले, चर्चा करने वाले लोग नहीं है। किसी के सामने चर्चा करो तो लोग ऐसे देखने लग जाए क्या कह रहे हैं,
अभी मेरा मथुरा में प्रवचन हुआ था ना, वहाँ की सभा में पंच कल्याणक में उनके, तो वहाँ प्रवचन हुआ तो पूरी सभा, सैकड़ों लोग जो सामने पांडाल में बैठे हुए थे, सब के सब देखते रहे क्या बोल रहे हैं, ऐसी बात तो सुनी नहीं हमने कभी, ये क्या कह रहे, ऐसा भी कुछ है क्या। और लास्ट में वो जो संचालन करने वाले जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने कही ये बात, वहाँ के जो विद्वान जो थे उनके, उन्होंने कही कि बहुत लंबे समय बाद कोई आत्मा की चर्चा करने वाले, आत्मा शब्द सुनाने वाले विद्वान यहाँ आए। असली बात तो प्रवचन तो ऐसा ही होना चाहिए, बात तो ऐसी आनी चाहिए। ये बहुत अच्छा है कि इस पंच कल्याणक में कम से कम लोगों ने आत्मा शब्द और आत्मा की बात तो थोड़ी बहुत सुनी। आत्मा ही शब्द नहीं आता है, बोलो पांच पांच दिन के आयोजन निकल जाएं, बड़े बड़े अनुष्ठान हो जाएं और आत्मा शब्द सुनने को ना मिले, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप जानने समझने का अवसर ना मिले, फिर कैसा आज के आनंद की खूब आनंद आया, बहुत बड़ा काम हो गया। क्या हुआ ये, कुछ नहीं है, ये जो सारभूत बातें हैं, प्रयोजनभूत बातें, देखो क्या कह रहे हैं, ये जो वेद विज्ञान की जो चर्चा कर ली, ये वेद विज्ञान करना कहाँ है कि सात तत्व का स्वरूप जाना, हेगे उपादेय जान लिया, क्या हेय है, क्या गेय है और क्या उपादेय है। जो हेय था, देखो गेय तो सब है लेकिन हेय जो है वो उपादेय नहीं है, जो उपादेय है वो हेय नहीं है, और जो मात्र गेय थे उनमें हेय उपादेय का बंटवारा नहीं है जानने योग्य पदार्थों में। जैसे हम ये कहते हैं आपकी जेब में कितने नोट रखे हैं, ऊपर की जेब में वो दिख रहे हैं, अब क्या करूं, मेरे लिए हे है कि उपादेय है, ज्ञान का विषय है। जो तेरा है ही नहीं तो उसमें क्या है उपादेय की बात कर रहा है, जो अपना है ही नहीं साहब, उसे मैं कहूं कि नहीं छोड़ने लायक है, नहीं ग्रहण करने लायक है, कि पागल है तो दिमाग तो ठीक है तेरा क्या, कि साहब जौहरी बाजार में जितनी दुकानें हैं ना उनमें जितना माल रखा है मैंने सबको छोड़ दिया, अरे वाह पागल है, मूर्ख है क्या, क्या बात कर रहा है, इसको ले जाओ पागल खाने में, सेठी घरों ने ले जाना पड़ेगा इसको, आगरा में ले जाओ, कहाँ ले जाए इसको, इसका पहले दिमाग स्थिर करो। तो सबसे पहले यहाँ आचार्य परमेश्वर जी, आचार्य परमात्मा अपने ये कितनी सुंदर बातें कह करके समझा रहे हैं, पहले तेरी मति व्यवस्थित कर, कुछ भी करने के पहले करना क्या है ये नक्की कर, ये तो कहते नहीं नहीं करो करो, अरे तो करना क्या है ये तो नक्की कर, कर तो लेंगे। ये आयोजनों के पहले आयोजन संबंधी मीटिंगें क्यों की जाती है, मतलब क्या जरूरत है मीटिंग की, मकान बनाने के पहले इंजीनियर से नक्शे क्यों बनवाए जाते हैं, क्यों क्यों, हमें हम पहले ये नक्की करें हमें करना क्या है मकान। अरे देखो यार ये नक्शे वक्शे के चक्कर में मत उलझो, तुम तो कारीगर को बुलाओ और ईंटें खड़ी करवाना शुरू करो, इतने पैसे खर्च कर दिए, इतना टाइम बर्बाद कर दिया, कि नहीं अच्छी प्लानिंग होगी तो काम अच्छा होगा, काम शुरू करने के पहले प्लानिंग बराबर कर लो। तो आचार्य देव यहाँ ये जो हेगे उपादेय का बंटवारा बतला रहे हैं, ये हेगे उपादेय का यथार्थ बंटवारा मतलब प्लानिंग सही है क्या। अब जो महल खड़ा होगा वो ऐसा महल खड़ा होगा जिस महल में मुक्ति लक्ष्मी आकर के निवास करेगी, सिद्धालय में जाकर के शादी अनंत काल के लिए सुख का उपभोग करेगा, ऐसा काम होने वाला है। तो क्या किया, बोले भेद विज्ञान करो, क्या भेद विज्ञान करना है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। बोलो मैं हूं जो है भगवान, तो वर्णी जी के कथन है, देखो ज्ञानियों की एक ही मत है, कोई भी ज्ञानी उठा करके देख लो, अनंत ज्ञानियों का एक मत है। आप वर्णी जी से लेकर के ऊपर तक जितने ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्ति दिखाई देते हैं, देखो हम ज्ञानी कहते ही उसे हैं जो भेद विज्ञान की बात करता है, जिसके पास भेद विज्ञान की चर्चा नहीं है किस बात के ज्ञानी बताओ मैं।
जिनके पास राग द्वेष की चर्चाएं हों, जो इधर उधर की बातें करें, इधर उधर जगत के जीवों को उलझाएं और खुद उलझे हों, हम उन्हें ज्ञानी नहीं कह सकते। ज्ञानी और अज्ञानीपन का लक्षण क्या है, पढ़ो जरा पीछे बातें, सब लक्षण बतलाए गए हैं, कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है। जगत में उपदेशदाता ज्ञानी हो ऐसा नहीं। ज्ञानीपन का निर्णय किसके लिए था, जो भेद विज्ञानी हो, स्वयं के लिए हो, लक्षण बतलाए थे पीछे आचार्य देव ने, यही वादीप सिंह सूरी स्वामी ने। ये क्या कहते हैं, नक्की करो कौन ज्ञानी है। बोले वो ज्ञानी है जिसको ज्ञान है। बोले कौन सा ज्ञान, बोले भेद विज्ञान। भेद विज्ञान जिसे है, मतलब ये यथार्थ ज्ञान जिसे है वो ज्ञानी है, और ये ज्ञान जिसे नहीं है तो फिर कितना भी ज्ञान हो, कंप्यूटर के ज्ञान वाले को ज्ञानी थोड़ी ना कहोगे, इंजीनियरिंग के ज्ञान वाले को ज्ञानी थोड़ी ना कहोगे, मरीजों को खूब देखते हैं, डॉक्टर हैं अच्छे और अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, खूब नॉलेज है इनको दवाइयों की, इसकी इसकी सबकी रोग की खूब पकड़ है। तो बोले दूसरों के रोग की तो पकड़ है, अपने रोग की भी पकड़ है क्या? जैसे अपने रोग की पकड़ है वो ज्ञानी है, जीनियर साहब है ना, मुझे पता है ना मेरा रोग मेरे से ज़्यादा कौन जानेगा, कमर दर्द है खूब मेरा रोग मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा कि सुनो ये जो कमर है, ये कमर कौन से तत्व में शामिल है? है बोले कमर तो अजीव तत्व में शामिल है। अब कमर तो है अजीव तत्व, और ये उस अजीव तत्व जो ज्ञान का गे मात्र था, गे का मतलब ये होता है उससे राग द्वेष मत करना, गे का मतलब ये होता है ज्ञान का विषय बनने पर सुखी दुखी ना हो, उसका नाम गे मात्र होता है। तू उसे ज्ञान का गे बना, उससे सुखी दुखी मत हो, ये पीड़ित हो रहा है। तो फिर मेरे दुख का कारण क्या है, कि तेरे दुख का कारण कमर नहीं, कमर का दर्द नहीं, कमर मेरी है और कमर का दर्द मुझे हुआ है, ये जो राग परिणाम है आश्रव भाव, ये मेरे दुख का कारण है, वो छोड़ने योग्य है। उसे तो छोड़ता नहीं है, डॉक्टरों के चक्कर लगाता है। तो फिर साहब नहीं लगाएं क्या? आप कहना क्या चाहते हो, नहीं लगाएं? भाई हम ये नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं तुम निर्णय करो पहले, वेद विज्ञान करते हुए सबसे पहले इस बात का निर्णय करो कि करना क्या है। पर में कुछ करना है, पर में कुछ छोड़ना है, कि पर से कुछ ग्रहण करना है? बोलो यदि पर से कुछ ग्रहण करना हो तो क्या ग्रहण करूं, पर में आखिर है क्या ऐसा जो ग्रहण करने योग्य दिखाई देता हो? चलो और चलो और आगे बढ़कर के बात करूं, एक देव शास्त्र गुरु कौन से तत्व में शामिल होंगे? बोलो पर द्रव्य होने से अजीव तत्व है भाई साहब, क्योंकि आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये जीव में होने वाली पर्यायों की बात कही, अजीव की पर्यायों में भी शामिल किया है। जब जड़ रूप लेते हैं कर्मों की अपेक्षा से वो अलग मैटर है, लेकिन जितने परद्रव्य हैं, परद्रव्य अजीव तत्व के खाते में है। अब बोलो देवशास्त्र गुरु अजीव तत्व के खाते में, हृदय पर हाथ रख करके सोचना क्या कह रहे हैं, गेय मात्र हैं ज्ञान के, गेय मात्र हैं। तो फिर साहब उपाधेय नहीं है देवशास्त्र गुरु को, के लिए कह रहे हो आप उपाधेय नहीं है, कि देवशास्त्र गुरु उपाधेय नहीं है, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से बतलाया गया मार्ग, जिस मार्ग के माध्यम से भीतराग्ता प्रकट हो वो उपाधेय। अरे जब तक उनके चरणों में बैठा रहेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? तुम गुरुओं को अपने घर में बसा लो, ला करके अपने मकान में ठहरा लो, अब तो मोक्ष हो जाएगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा। ये मात्र थे, उनमें तुमने उपाधेय मान लिए कि साहब ये गुरु तो अच्छे हैं, ये तो उपाधेय हैं, और ये गुरु अच्छे नहीं हैं, ये है कि मूर्ख, हे गे का बंटवारा कहाँ कर रहा है तू? हे उपाधेय का बंटवारा वहां नहीं होगा, ज्ञान के विषय मात्र हैं। अब ज्ञान के विषय में से जो अपने लिए उपाधेय है, क्योंकि ज्ञान के विषय तो जीव तत्व भी, अजीव तत्व भी, आश्रव बंध मोक्ष संबंध सब ज्ञान के विषय हैं। अब इन ज्ञान के विषयों में से क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, और क्या ज्ञान का विषय बना करके छोड़ देने योग्य है?
कुछ छोड़ देने योग्य, मतलब ज्ञान का विषय बनाओ भगवान, इसके अलावा कुछ नहीं करना उसमें हमारे को। रोड पर चलते हुए कितने पदार्थ आपको ऐसे दिखते हैं जिनसे आपका कुछ लेना देना नहीं होता है, आप क्या करते हो? ज्ञान मात्र की है, आप ऐसा सोचते हो कि उपाधेय है, ये हेय है, कुछ नहीं लगता है हमारे। रोड पर निकलते हो आप और कितनी चीजें आपके ज्ञान का विषय बनती रहती है, कुछ नहीं। अब देखो क्या होता है कभी कभी, जो कुछ नहीं है अभी तो आपने कह दिया कुछ नहीं, कभी कभी कुछ ऐसे ढेर होशियार लोग होते हैं जो उन पे कमेंट्स करने लगते हैं, उसको चर्चा का विषय बना लेते हैं और जबरदस्ती तो ऐसा होना चाहिए। कितने लोग भीख मांगने वाले इकट्ठे हो, देखो पर थे तो तेरा कुछ लेना देना नहीं है उसमें, क्या ज्ञान के गेय मात्र थे, अब ये शुरू हो गया उसमें हे उपाधेय के चक्कर में, ये उलझ गया। यहाँ ऐसा हो जाना चाहिए, सड़कों की क्या हालत कर रखी है, ये सही होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए कि तेरा कुछ लेना देना है उसमें, तो छाट रहा है उसमें, तो बंटवारा कर रहा है। सात तत्व के संदर्भ में जितनी बातें कही है इन बातों को एक बार पुनः गहराई से पढ़ना। मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, नहीं तो आपको एक लाइन भी नहीं पढ़ी आपने, सारी लाइनें पढ़ी रहे, सब पढ़ रहे हैं, बातें तो सब जनवाणी की है, लेकिन इन बातों को एक बार वापस पढ़ना। और आप कहो तो मैं पढ़ देता हूं, देखो वापस पढ़ लो एक बार, जीव तत्व से करो चर्चा। यहां से जीव तत्व में क्या शामिल किया, पेज नंबर है 155। मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए तथा साक्षात मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आश्रय करने की अपेक्षा यह त्रिकाली निज शुद्धात्मा जीव तत्व, माने जीव तत्व कौन है ये भी बता दिया। एक तो जीव तत्व परजीव नहीं है, जीव तत्व निज शुद्धात्मा, और निज शुद्धात्मा भी त्रिकाली, पर्याय वाला नहीं, तीनों काल एक रूप रहने वाला ऐसा त्रिकाली निज शुद्धात्मा वो जीव तत्व है और वो ध्यान का ध्येय है, वो ध्यान का विषय है। ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो वो त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा देखने का प्रयास करें, आंखों से तो दिखेगा नहीं, विकल्पों में भी आप चिंतन का विषय वो बने, क्या आपके विकल्प का विषय वो बने, वो ध्यान का ध्येय होने से परम उपाधेय, उपाधेय ही नहीं परम उपाधेय, आश्रय की अपेक्षा से परम उपाधेय है। फिर अजीव तत्व कौन होते हैं भाई साहब, क्या कह दिया बोलो, सारी चर्चा इसके ऊपर चल रही थी अपनी अभी, न हे है न उपाधेय, न हे है न उपाधेय, क्या करें, दीक्षा लेंगे तो सर के बाल क्या हे हैं कि उपाधेय हैं, क्या है, मात्र गे है। तो फिर साहब क्या केश लोच नहीं करेंगे, कि केश लोच भी जड़ की क्रिया है, उसके भी ज्ञाता मात्र हैं, भी तो उसको भी जानने वाले हैं। हाँ, ये करने का जो राग भाव है वो राग भाव आश्रव तत्व है, इसलिए वे भावना भाते हैं कि ये आश्रव भाव भी कब टूटे और आजीवन केश लोच करने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो जाए जब न केश लोच करना पड़े न पर पदार्थों के ग्रहण त्याग का भाव आए। अच्छा, मुनिराज को विधि पूर्वक आहार मिल जाए तो वो उपाधेय है कि हे है, मात्र ये कितना, मैं यदि आज की इस पूरी चर्चा को एक वाक्य में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो गेय मात्र थे उनमें हे उपाधेय का बंटवारा कर रहे हैं, बस। जहां बैठे हों, जब कभी किसी को छोड़ने की, किसी को ग्रहण करने की, किसी को देख रहे यार क्या बेकार, क्या क्या है ये सब, सुनो नक्की करना कि ये कौन से तत्व में शामिल कर रहे हैं, किसे ही कह रहा हूं मैं, वो नहीं छोड़ना है उसके प्रति जो तेरी ये जो द्वेष बुद्धि हो रही है ना, ये छोड़नी, वो तो ज्ञान का गेय मात्र होना चाहिए। क्या कहा, अजीव तत्व न हे है न उपाधेय, यह तो मात्र 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 माने इसके अलावा कुछ नहीं, ओनली ओनली गेय, गेय के अलावा और कुछ नहीं। जहां आपने गेय से बढ़कर के अजीव तत्व में कुछ भी करने का प्रयास किया, समझ लो वहीं आपने खातों में इधर उधर मिलावट कर दी, अकाउंट्स में गड़बड़ हो गई। और ऐसे अकाउंट्स में गड़बड़ हमारे दिगंबर संत नहीं करते, हमारे वितरागी मुनिराज नहीं करते,
ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष ऐसे मिलावट का काम नहीं करते, ये काम तो उनको सूट नहीं करता, ये तो मिथ्या दृष्टियों को ही सूट करता है ये मिलावट का काम, और वो भुगतता भी है, इसका फल भी भुगतता है। चार गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण, ये इसका फल भी मिल रहा है, लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं आता। ये कहता भी रहता है यार अब तो छुड़ाओ इस संसार से, तो छुड़ाओ इस संसार से, अब काम वही करता रहता है और क्या करता है, रिश्वत दे करके छूटना चाहता है, काम तो खोटे करता है, मिलावट के धंधे करता है इधर उधर, और वो रिश्वत दे करके छूटना चाहता है, काम खोटे बंद नहीं करना चाहता है। जगत में ऐसे दिखते हैं ना लोग, इसी प्रकार ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव अपने इस पर द्रव्य में आत्म तत्व की मिलावट या सात तत्वों की एक दूसरे में मिलावट को तो बंद नहीं करता, और काम तो ये खोटे चालू रखता है, और देव शास्त्र गुरु की शरण में जाकर रिश्वत देना चाहता है। क्या माने, परमात्मा की शरण में जाकर ये कहता है कि प्रभु हाथ पकड़ करके पार लगा दो, तुम तारो तो तिर जाएं, हम तो मैं तो तेरे भरोसे हूं, हे भगवान तेरी शरण में आया हूं। तो प्रभु ये कहते हैं कि देख यहां रिश्वत नहीं चलती, खोटा काम बंद कर दे, ये बिल्कुल दुकान चलती है मेरी ये कैसे बंद कर दूं मैं, आश्रम को संवर जाना, बंद से ही मुक्ति माना, क्या क्या करें, शुद्ध को पहचाना नहीं, इसमें अटका हुआ है, देखो कैसे कैसे होगा तेरा कल्याण, कैसे संसार कटेगा तेरा। अजीब तत्व पढ़ ली लाइन, इतनी पढ़नी थी बस आज, तो दोबारा में और कितना पढ़ेंगे इसको, न हे है न उपादेय है, यह तो मात्र गेय है, फिर आश्रम और बंध तत्व क्या है भैया, तो कहा ये साक्षात दुख रूप है। ओ ये नालायक मुझे तकलीफ दे रहा है, कि सुन जो नालायक तुझे तकलीफ देने वाला दिखाई दे रहा है वो तो गेय मात्र है, ये जो तेरे हृदय में भाव उत्पन्न हुआ ना उसके प्रति वो ये है, ये साक्षात दुख रूप है आश्रम और बंध, एवं आगामी काल में भी दुख कारक होने से हे हैं। पर मैं कुछ मत करो, अरे सुनो, पर में यदि ग्रहण त्याग की बात होती तो इतना परतंत्र हो जाता कि कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। मैं क्या करूं, शरीर त्याग का नाम मुक्ति होता तो मैं कैसे छोड़ूं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, फिर तो आत्महत्या करके सुखी होने की सोचता, लेकिन तुझे शरीर तो बना रहे और शरीर के प्रति राग टूट जाए तो परमात्मा बन जाता है। बोलो, अरहंत परमात्मा जो होते हैं, शरीर तो है, शरीर के प्रति राग नहीं है। एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा धर्म के 10 लक्षण में, ऐसी चर्चा की वहां कि सुनो, हड्डी खून मांस आदि जो अपवित्र हैं, शौच धर्म के प्रकरण में चर्चा की, हड्डी खून मांस आदि को तू अपवित्र कहता है, लेकिन सुन ये अपवित्रता बनी रहे लेकिन राग वाली अपवित्रता मिट जाए तो भगवान बन जाता है, पूर्ण सुखी हो जाता है, आनंद सुखी हो जाता है। तो इसे अपवित्र समझ बैठा है, इससे ज्यादा अपवित्र तेरे ये विकारी भाव है, ये विकार है जो उससे ज्यादा अपवित्र है, तो कौन छोड़ने योग्य है बोलो। ये साहब गुस्सा कैसे नहीं आएगा उसके प्रति, आएगा आएगा, जिसने तेरा बुरा किया है उसके प्रति गुस्सा तो आएगा, लेकिन असली बुरा करने वाला कौन है पहले वो पहचान, क्या ये वही तो प्रकरण चल रहा है, उसे ही तो छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये स्वाध्याय की जो चर्चा की है इसमें क्या है ये बतलाया, बोलो, इसको छोड़ दूंगा, क्या उपादेय है कि राज्य तो मैं प्राप्त करके रहूंगा, ये उपादेय है, ये सुन बेटा ये उपादेय नहीं होता ये राज्य तो गेय मात्र होता है। चलो, संवर तथा निर्जरा तत्व में क्या कहते हैं कि मोक्ष मार्ग स्वरूप, संवर निर्जरा ये मार्ग है, ये मार्ग स्वरूप है जो आंशिक शुद्ध व सुख रूप होने से प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है, लेकिन कैसे किस लिए, जीव तत्व आश्रय करने की अपेक्षा था, उसका आश्रय करना है, और उसका आश्रय करने पर ये संवर और निर्जरा ये आंशिक रूप से उपादेय हैं, और मोक्ष तत्व
बोले साध्य है, सिद्धि करनी है, प्राप्त करना है वो। तो प्राप्त करने की अपेक्षा सर्वथा उपाधि, प्राप्त करने की अपेक्षा, प्रकट करने की अपेक्षा, सबका प्राप्तव्य तो वही है, लक्ष्य तो वही है। घी के खाते में तो जानेगा नहीं तो प्रकट क्या करेगा, जानने तो सबको है। दौलत राम जी छेड़ाना में कहते हैं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गईये, जाने बिना क्या ग्रहण करना क्या छोड़ना और किसे ग्रहण और छोड़ने से रहित ज्ञान का ये मात्र बनाना, तो जानना तो पड़ेगा। तो भाई साहब ये कुल मिलाकर के जो बात कही है, ये बात कही शास्त्र स्वाध्याय का फल है कि हम इस निर्णय पर पहुंचे कि हमें करना क्या है। और यदि करना क्या है इस बात को हमने गहराई से समझ लिया तो फिर जो भी करेंगे वो सही होगा। इस निर्णय के उपरांत हम सभी इन बातों को गहराई से चिंतन मनन का विषय बनाकर यथार्थ निर्णय पर पहुंचकर अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम दें।